हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स। अब बस क्या है, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन। ठीक है, तो केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन में हमारे पास यानी कि सेंट्रल, जो कि हमने जो पहले वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन, तो इसमें जब हमारे पास इससे पहले वाला था लैग्रांज था, इससे पहले संकारक हमने पढ़े थे डेल ई, ठीक है, और नेबला और वैसे। तो अब यहां पर जो नया संकारक आया है वो आया है केंद्रीय अंतर संकारक। हम केंद्रीय अंतर अंतर्वेशन पढ़ना है तो संकारक भी नया चाहिए, और ये क्या होता है हम सबको समझाएंगे। ठीक है, तो नया संकारक हमारा केंद्रीय अंतर संकारक, इसमें दो संकारक लेने हैं आपको, डेल और म्यू। ठीक है, म्यू हम बोलते हैं औसत संकारक, ठीक है, एवरेज ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। केंद्रीय अंतर अंतर संकारक तो नाम दिया गया है, तो हिसाब से कुछ ना कुछ काम तो होगा ही। तो यहां हो जाएगा आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल, डिफरेंस ऑपरेटर ये डेल। ठीक है, अब ये डेल बनने वाला है। तो क्या होता है, देखिए अगर ये जो डेल संकारक है केंद्रीय अंतर वाला, अगर ये किसी भी फंक्शन के आगे लग जाता है, क्या होता है, किसी भी फंक्शन के आगे लग जाता है तो क्या करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच, फिर तो आगे बढ़ाता है, फिर माइनस करेगा एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच को। ठीक है, हाफ एच बढ़ाएगा और हाफ एच ही माइनस करेगा, यानी कि एच बाई टू प्लस और एच बाई टू माइनस, लेकिन दोनों टर्म में बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन आपने इस आंसर आगे बढ़ता है तो वो e के बराबर होता है, क्योंकि e ऑफ f ऑफ x हम जानते हैं f ऑफ x प्लस h होता है, और e स्क्वायर कर दूं मैं तो f ऑफ x प्लस 2h हो जाएगा। ठीक है, ये उतने स्थान आगे बढ़ा देता है, यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है हाफ, तो यहाँ पर जैसा मैं लिख सकता हूँ e की पावर हाफ f ऑफ x, और सेम काम यहाँ आगे हुआ है, वहां पर माइनस हुआ है, मैं ले लेता हूँ e की पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दो तरफ एफ एक्स कॉमन आ गया, ये हो जाएगा e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस के हाफ और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, डेल बराबर बच जाएगा e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ, इसके बराबर होता है ये संबंध। ठीक है, बहुत अच्छा संबंध है अपने, इसमें ले लिया हमने। तो यहाँ पर जो डेल ऑफ एफ एक्स है ना, ये क्या कहलाएगा, प्लस एफ एक्स का प्रथम केंद्रीय अंतर संकारक कहलाएगा या फलन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ दे देता हूँ मैं इसको, यहाँ डेल ऑफ एफ एक्स फलन एफ एक्स का, फलन एफ ऑफ एक्स का प्रथम केंद्रीय, ठीक है, प्रथम केंद्रीय अंतर कहलाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम निकालते द्वितीय, ये तो पता होगा प्रथम हो गया ना, ये प्रथम, इस तरह से हम निकालते द्वितीय। ठीक है, डेल स्क्वायर, तो द्वितीय केंद्रीय अंतर, द्वितीय केंद्रीय अंतर कैसे निकाल जाता है वो देखते हैं, यानी कि डेल स्क्वायर की टर्म निकालनी है हमें, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि डेल इनटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
अब ए वाला डेल जो है ना, ये तो भी बाहर रहेगा, इसको इसका जो मान है हमारे पास, ये जो हमें दिया था वो रख देते हैं अंदर। तो डेल एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच, ठीक है, और बाहर क्या रहेगा डेल, कोई दिक्कत नहीं। तो आ चलते हैं हम, आप देखिए, आप डेल को अंदर दे देता हूँ, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच माइनस, यहीं पर मल्टीप्लाई कर दूँ, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच, और बदलेगा तो ये किस में, ई वाली फॉर्म में, ठीक है। लेकिन फॉर्म में और क्या हम कर सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दोबारा से हम करेंगे ना, एफ ऑफ हाफ में और हाफ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ एच होता है एक बार डेल लगाने पर, तो दोबारा से करेंगे तो पूरा हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये खुद हाफ है तो हाफ होके बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है, आप देखिए आप क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस के माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 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 है ना, तो माइनस टू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अंतर्वेशन हो गया, केंद्रीय अंतर्वेशन, ऐसे हम उच्च कोटि के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उच्च कोटि के केंद्रीय अंतर्वेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। तो आगे चलते हैं, फिर हम समझ में आ गया फॉर्मूला या एक प्रोसेस, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसी से आगे तो औसत संकारक के ले लेते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं औसत संकारक की, यानी कि ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर ऑफ म्यू, ठीक है, औसत संकारक क्या होता है, तो औसत संकारक होता है एवरेज ऑपरेटर। इसमें देखिए आप, इसमें संकारक में क्या होता है कि म्यू के आगे अगर मैं एफ ऑफ एक्स लगा दूं, ठीक है, म्यू के आगे क्या लगा दूं, एफ ऑफ एक्स, तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच, ठीक है, ये दोनों जो है आपके पास टर्म काम आएगी, मतलब कि म्यू जो है वो है आपका एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का योग करके और दो का भाग देना, ठीक है, ये होता है, तो योग हमने कर दिया, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाल दें इसका, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ e की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस के हाफ एफ ऑफ एक्स, भैया जब हाफ की बात हो रही है तो हाफ आगे बढ़ते हैं और हाफ घटते हैं, तो e की पावर हाफ ही तो हो जाएगा ये, है ना। फिर म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात क्या कर सकते हैं हम, दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, ई की पावर हाफ यहाँ रह जाएगा और ई की पावर माइनस के हाफ यहाँ, बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, तो काम हमारा हो गया। तो अब एफ एस काट दें तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ, ठीक है, तो ये समीकरण जो थी हमारे पास, ये थी
उसी समीकरण का आगे वाला पार्ट, यानी कि एक है क्या, ये दो से भाग दिया, इसका मतलब क्या निकाला हमने, एवरेज निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म है वो काम में आई। एक और है सिग्मा, वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं केंद्रीय योग संकारक, केंद्रीय योग का की संकारक है वो, ठीक है, इसे बोलते हैं सेंट्रल सम ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए अगर एफ ऑफ एक्स जो है आपके क्या आगे मैं लगा दूं सिग्मा, या उसको जो भी नाम दो आप, सिग्मा नाम दे दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो फंक्शन है उससे है, फिर आप देखिए आप यहाँ पर सुमा हटा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वही है हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस के टर्म है, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस है। तो एक काम करते सर, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये तो हो गया सिग्मा, और ये हम लेते हैं डेल, तो सिग्मा टू डेल करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ये तो म्यू है, यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्मा की, तो माइनस ही आता है। ठीक है, सिग्मा मतलब सिग्मा नहीं, हम बात करें डेल की, सिग्मा तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पीछे लिखा हमने, डेल की हम बात कर रहे हैं। डेल देखो आप एक बार एक्स प्लस हाफ एच माइनस के एक्स माइनस हाफ एच, तो इसकी वजह तो क्या हो गई डेल। ठीक है, इसकी वजह तो क्या हो गई डेल, और ये हो गई सिग्मा, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के डेल। ठीक है, सिग्मा इंटू एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू, यानी कि सिग्मा अपॉन ले लो, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन एफ ऑफ एक्स बराबर डेल, देन सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि सॉरी हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा इंटू एफ एक्स इक्वल टू वन, मतलब कि डेल में। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी डेल के बराबर, ऐसे हो जाएगा सिग्मा इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ साथ में सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई कर देते, सिग्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स कैंसिल, तो सिग्मा इंटू डेल बराबर वन, क्लियर। एक क्या है, एक है तस्मक अवयव, तस्मक संकारक है यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि सिग्मा इंटू डेल इज नॉट इक्वल टू डेल इंटू सिग्मा होता है, यानी कि ये मिनिमम का पालन नहीं करते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने तीन संकारक पढ़े, एक था केंद्रीय, एक था औसत संकारक यानी कि एवरेज, एक सेंट्रल, और एक था हमारे पास मेनली केंद्रीय संकारक, सेंट्रल सम ऑपरेटर, या सॉरी सेंट्रल ऑपरेटर है हमारे पास वो। ठीक है, तो अब हम क्या कहें कि हमारे पास ये अलग अलग निकाल लिया हमने, म्यू अलग निकाल लिया और सिग्मा अलग निकाल लिया, ठीक है, डेल अलग निकाल लिया, अब इनके बीच में क्या करें हम संबंध बता सकते हैं, ई डेल नेबला, ठीक है, पुराने वाले जो तीन है, और इस इन तीनों में सिग्मा म्यू और डेल। ठीक है, देखो यहाँ पर डेल ये भी है और डेल ये भी है, ठीक है, इसे नाम रखी दोनों ही डेल है, समय टाइम पर इसको डेल लगाया जाएगा क्वेश्चन में, उस किसी टाइम इसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये संबंध हम बताते हैं, ई डेल सिग्मा नेबला म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप हम इसके डेफिनेशन, इसकी चीजों को आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। और एक जो संबंध है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके लिए, तो देखिए जरा संबंध क्या है हमारे पास, संकारकों में संबंध है, संकारकों ई डेल नेबला म्यू
और सिग्मा में संबंध निकालना है ना, ये संबंध निकालना है। तो इसमें पहले वाला पार्ट में आपको बताता हूँ, डेल और डेल में, ठीक है, दोनों तो डेल में संबंध क्या आता है। डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इवन यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर सिग्मा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ रूल नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, मैंने गलती किया। एफ एक्स बराबर क्या था, सिग्मा इंटू डेल, तो एफ एक्स कैंसिल, सिग्मा इंटू डेल बराबर वन, एफ एक्स का भाग दे दिया, बात ये समझ लो, ठीक है। ऐसे होगा, अब यहाँ सिग्मा लिखोगे तो दिक्कत होगी, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा, फिर सिग्मा यहाँ पे कैसे आ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर ई की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स और माइनस ई की पावर माइनस के हाफ और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस के हाफ, ठीक है। तो ई की पावर हाफ कॉमन आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर ई पावर हाफ कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ई माइनस वन, माइनस हाफ में भाग लेने वाला हूँ, तो माइनस हाफ का अगर मैं इसे भाग दूंगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ पूरा हो जाएगा, इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा, ई माइनस वन, ठीक है ना। ई की पावर हाफ अपॉन ई की पावर माइनस के हाफ, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर हाफ, तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, वन, यानी कि ई। तो इसी हम देख रहे हैं यहाँ पर ई कैसे हो जाता है, तो ई पावर हाफ ई की पावर माइनस हाफ कॉमन ले लिया हमने, और इसको क्या हम कहते हैं, डेल, ठीक है, माइनस के हाफ इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस के हाफ एंड डेल, या डेल इंटू ई की पावर माइनस के हाफ, ठीक है। संबंध आ गया डेल और इस वाले डेल में, दोनों डेल ही डेल है लेकिन संबंध आ गया आपको, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, और संबंध भी आज कितने रखते हैं। थैंक यू।